हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको अल्ट्राडॉन की गेमिंग चैनल पर। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अल्ट्राडॉन। तो फिलहाल आज का जो प्रैक्टिस मैच है वो वीकेंडी मैप पर है। वीकेंडी मैप बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस मैच पे डाल दिया गया है। ऑफिशियली भी आ चुका है, इसलिए प्रैक्टिस मैच पर भी वीकेंडी को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। प्लेन पद अब लोग देखेंगे। प्लेन पद स्टार हो रहा है यहाँ पर बिहार के साइड से और कॉस्मोड्रोम के साइड वाले कंपाउंड में जाके ख़त्म होता है। तो फिलहाल ड्रॉप लोकेशन में जाने में कोई टीम्स को कुछ प्रॉब्लम्स होगा या फिर नहीं, वो देखेंगे। ग्लिच देखिए, प्लेन पर थोड़ा सा हट गया है दोस्त, लेफ्ट साइड मांग कसम गलत सीन चल रहा है भाई। टीम नंबर वन यहाँ पे उतर चुके हैं और गोरो के साइड बिल्कुल खाली है। बिला के साइड फाइट हो स्टार्ट हो चुका है, दिखाई दे रहे हैं। आर टू एफ की जो टीम है यहाँ पे एक बंदे को लुड़काए हैं, फ्रैग गॉड को दिखाई दे रहे हैं, एक बंदे को लुड़काए हैं। तो ठीक है, चलो, फ्रैग गॉड भी बहुत ज़्यादा लो एच पी के साथ है। तो फिलहाल यहाँ पर कौन कौन सी जगह उतरते ही फाइट स्टार्ट हो गया, अब लोग देखेंगे। टीम नंबर एट के जो बंदे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, एक बंदा डाउन है, दूसरा बंदा नॉक हो चुका, फिनिश हो चुके हैं। फिलहाल टीम नंबर वन के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे एक बंदा डाउन है, उनको रिवाइव किया जा रहा है। तो फिलहाल कौन सा टीम का बंदा है यहाँ पे देख लीजिए एक बार। टीम नंबर वन है, टीम नंबर एट है। तो फिलहाल टीम नंबर वन के चारों लौंडे यहाँ पर मौजूद, कोई बंदा यहाँ पर मरा नहीं है। फिलहाल टीम नंबर एट के एक बंदा लुढ़क चुका है। तो फिलहाल लूफी को दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लो एचपी के साथ है। अरे ग्रेनेड फेंका था भाई वहाँ पे, गजब। टीम नंबर वन के जो बंदे हैं यहाँ पे टीम नंबर एट को पूरी की पूरी ख़त्म कर चुके हैं। सचिन फ्रेंड्स के जो टीम थे, महाराष्ट्र की टीम, वो फिलिश हो चुके हैं टीम नंबर वन के द्वारा। निमकीस गोंडा आसाम के टीम के द्वारा। फिलहाल एक्स मैक्स की जो टीम के बंदे हैं वो फिलहाल लेजेंड यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। फिलहाल बहुत दिखाई दे रहा है। टीम नंबर 15 के जो बंदे हैं आगे हैं, टीम नंबर 15 वो फिलहाल यूक्यूज़ा की टीम है। यूक्यूज़ा की जो टीम है वो गुजरात के टीम के बंदे हैं। सामने टीम नंबर 15 के आदित्य ग्यामर यहाँ पर लूटूट पुटूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक्स मैक्स रावण यहाँ पे बंदे एक बंदे को डाउन किए हैं, फिनिश भी कर चुके हैं शायद। चलो देख लेते हैं क्या सीन है। एक्स मैक्स वेनम के सामने टीम नंबर 15 की तीन लौंडे ग्रेनेड वगैरह आते हुए एक्स मैक्स वेनम के साइड, बट एक्स मैक्स वेनम यहाँ से बचते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स मैक्स की टीम की पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। एक बंदा फुल चले गए हैं स्पेक्टेट मोड पे, एक्स मैक्स लेजेंड की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल एक्स मैक्स की टीम की दो लौंडे, सामने टीम नंबर 15 की जो बंदे हैं, यूकोजा की टीम की, गुजरात की जो टीम है, तीन बंदे हैं वहाँ पे। 3v2 का सिचुएशन है। चलो एक बार मैप खोल के देख लेते हैं। देखो मैप के अंदर बहुत सारे टीम्स हैं, तो यहाँ पर सिचुएसन ये भी ख़राब सिचुएसन हो चुका है। सामने टीम नंबर 5 के टीम के लौंडे और यहाँ पे टीम नंबर 18 के पीके बॉयज ऑफिशियल के दो टीम हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक है पीके बॉयज ऑफिशियल, दूसरा है अल्ट्राडॉन स्पोर्ट्स। उनके साथ साथ टीम नंबर 5 भी यहाँ पे मौजूद हैं, नोब्ज के टीम के बंदे, महाराष्ट्र के टीम। ओके, तो फिलहाल ये सिचुएसन काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, बहुत हार्ड सिचुएसन। चलो क्या होता है वो अब लोगों के साथ हम भी देखेंगे और देखेंगे क्या सिचुएशन बनता है। टीम नंबर 20 के जो बंदे हैं लिक्विड बॉय और रेवेंजर साइड में है। टीम नंबर 18 के जो बंदे हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर लॉर्ड जोकर को दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 5 के जो बंदे को दिक्कत देने का कोशिश कर रहे हैं, स्पॉट करके दिक्कत देने का कोशिश किया। तो फिलहाल यहाँ पे एसएल फ्यूरीज के जो बंदे हैं वो टाइटन एजर्स की टीम के द्वारा डाउन हो चुके हैं, फिनिश भी हो चुके हैं, किल फिट में दिखाई दे रहे हैं। आर टू एफ के बराबर यहाँ पर डाउन है, किल फिट में दिखाई दे रहे हैं। बट इस सिचुएशन को एक बार देख लें, उसके बाद जहाँ पे जो हो रहा है वो देखेंगे।
टीम नंबर 23 के जो बंदा है, एक बंदा यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है, रिवाइव दे रहे या नहीं, कहाँ क्या कर रहे हैं, रिवाइव देने का कोशिश किए बट यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। बट टीम नंबर 23 के जो बंदे हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, अरे बंदे को फिनिश करने के चक्कर में गए। टीम नंबर 9 के बंदे यहाँ पे टीम नंबर 23 की बंदे को फूल लुड़काए हैं। चलो एक बार चल के देख लेते हैं डबरो मस्टो के साइड क्या चल रहा है। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं उनके सामने टीम नंबर 22 के बंदे हैं, टीम नंबर 22 वर्सेस टीम नंबर 2, और टीम नंबर 2 के जो बंदे हैं W07 के टीम बिहार के टीम है, सामने टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं और ब्लड का टीम है हरियाणा का टीम। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 19 के बंदे भी बहुत ख़राब सिचुएशन में फंसे हैं, दिखाई दे रहे हैं। निंजा फिनिश हो चुके हैं, ब्लड शॉट फिनिश हो चुके हैं, लास्ट एक लौंडा सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ पे टीम नंबर 9 और टीम नंबर 7 के बीच में 1v1 का जो सिचुएशन है वो क्या रहेगा, देखिए। एक मोनोटॉप उनके साइड गया था और दूसरा एक ग्रेनेड गया था, कोई भी डैमेज नहीं खाया है, दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है। टीम नंबर 7 के यहाँ पे बंदे के अगर बात करेंगे, टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे टीम नंबर 19 के बंदे को पकड़ के रगड़ने का कोशिश किए बट बचते हुए बंदे घर के अंदर। बहुत हार्ड सिचुएशन टीम नंबर 9 की, एक बंदा सरवाइव करने का कोशिश तो कर रहे हैं बट क्या यहाँ पे सरवाइव लास्ट तक कर पाएंगे, देखते हैं। टीम नंबर 7 के जो लॉन्डे हैं फुल चढ़ चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। ओ अगर वहाँ पे सामने नहीं जाते दरवाजे के सामने, तो फिल एंट्री के सामने अगर नहीं जाते तो यहाँ पे बंदा बच सकता था। फिलहाल टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं एक बंदे को लुड़का दिए थे लो एच पी में भी, बहुत हार्ड था, सच में हार्ड था। टीम नंबर 19 असल फ्यूरीज के टीम अच्छे खेल रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चले गए। फिलहाल लॉबी पर दोनों जगह यहाँ पे पोर्ट के साइड दोनों जगह फाइट हो रहा है, जब देखिएगा। टीम नंबर 20 की यहाँ पे रेवेट वाई डाउन है, लिक्विड वाई डाउन है। टीम नंबर 20 के जो बंदे हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लॉर्ड जो का डाउन है। तो फिलहाल यहाँ पे बोल्डर सामने दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 18 के बंदे क्या यहाँ पे सिचुएशन का टैकल कर पाएंगे, हो कृष्णा को फिनिश करके बोल्डर यहाँ पे सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोल्डर की 2 किल हो चुके हैं, लॉर्ड जोकर वो यहाँ पे नॉकडाउन पड़ा है। फिलहाल वीके बॉयज ऑफिशियल यहाँ पे अल्ट्राटॉन स्पोर्ट्स के हाथ में पूरी की पूरी चले गए हैं लॉबी पर। तो फिलहाल पोर्ट के साइड एक बार चल के देख लेते हैं, पोर्ट के साइड कौन सा टीम के साथ फाइट हुआ था। टीम नंबर 6 के साथ फाइट हुआ था। टीम नंबर 6 के जो बंदे थे वो है H2R की टीम, महाराष्ट्र की टीम। एक्स मैक्स के टीम फाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्स मैक्स रावण और एक्स मैक्स टीम नंबर 15 के साथ अभी भी फाइट जारी है एक्स मैक्स की टीम की। सामने टीम नंबर 15 के जो बंदे हैं यूकुजा की टीम के बंदे हैं, DJ चैम्पियन टीम नंबर 15 के बंदे उस सामने मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। और रॉकेट फिनिश हो चुका है, बाबजी गेमिंग ख़त्म हो चुके हैं, आदित्य गेमर ख़त्म हो चुके हैं, पेटी बन चुके हैं तो इन लोगों का। तो फिलहाल DJ चैम्पियन क्या है वहाँ पे 1v2 का सिचुएशन निकाल लेंगे। आई थिंक इनके पास कोई स्कोप वगैरह है नहीं, बट वेनम क्या करते हैं देखते हैं। सामने रावण आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेनम इनको क्या स्पॉट किए हैं, नहीं इनको स्पॉट नहीं किए हैं। DJ चैम्पियन वेनम को डाउन कर सकते हैं बट ओ वेनम बहुत ज़्यादा लो एचपी हुआ है DJ चैम्पियन के द्वारा। लिक्विड के टीम के साथ फाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड के जो टीम के बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। आई थिंक
टीम नंबर 14 फिलहाल, हाँ पूरी के पूरी लिक्विड के वगैरह लगे जो टीम है चले गए लॉबी पर। ब्लड के टीम, ब्लड लाइन के टीम के साथ फाइट हुआ था, एक बंदा चला गया है लॉबी पर। फिलहाल दो लौंडे यहाँ पर नौकते हैं, उनको रिवाइव किया गया है। लिक्विड के टीम के जो बंदे हैं वो फिलहाल क्या करेंगे वहाँ पर देखेंगे। बहुत सारे टीम्स बहुत ख़तरनाक उतरते ही फाइट लगा लिए थे। एक स्मैक्स की टीम के जो बंदे हैं लास्ट टीम नंबर 15 की एक बंदे को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, बट जी के चैम्पियन इतना जल्दी पकड़ में आने का बंदा है ही नहीं। सामने टीम नंबर 25 की जो बंदे हैं एक स्मैक्स की टीम और इजा की टीम की बात कर रहे हैं, वो दो लौंडे अभी भी सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 15 की डीजे चैम्पियन, टीम नंबर 15 की जो बंदे हैं यूक्यूजा की जो टीम है, उस गुजरात की टीम है, वो अभी भी एक लौंडा सर्वाइव कर रहे हैं। फिलहाल पूरी की पूरी टीम कैसे गेम प्ले दिखाए एक्स मैक्स की टीम के साथ वो हम लोग थोड़ा सा देखे थे, ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि एक साथ बहुत जगह फाइट चल रहा था। एक्स मैक्स रावण हाथ में उजी लेके आगे बढ़ते हुए, बट सामने डीजे चैंपियन हाथ में कौन सा गन था उसका, बाइजन था शायद, बाइजन लेके बैठे हैं थे। टीम नंबर कौन सा टीम के साथ फाइट लग गया है भाई यहाँ पे, टीम नंबर 18 के बंदे, टीम नंबर 6 के बंदे सामने हैं, लॉर्ड जोकर को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आगे टीम नंबर 6 के साथ फाइट लेते हुए। लॉर्ड जोकर जाते जाते पेटी जो पड़े हैं वो लूटने का कोशिश कर रहे हैं, पर टीम नंबर 6 के जो बंदे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉट करने का कोशिश करेंगे टीम नंबर 6 और टीम नंबर 18 के बीच में क्या चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर 16 के ऊपर स्प्रे आना चाहिए, टीम नंबर 6 की ओपन में है फिलहाल। यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे टीम नंबर 18 की बंदे को यहाँ पे नॉक करना चाहिए। मुझे लगता है क्लच भाई, अब हाथ में कुछ लॉन्ग रेंज का गन रखना चाहिए था इनको, लॉन्ग रेंज का गन ना हो तो इनको बहुत दिक्कत मिल जाएंगे। रावत के पास M24 चलाने का कोशिश कर रहे हैं, बट रावत भाई रावत अच्छा रिजवान भाई के रावत बोल रहे हैं, रिजवान सामने टीम नंबर 18 वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एच वन वाई टी थोड़ा सा लो एच पी के साथ टीम नंबर 18 इनको दिक्कत देते हुए फिनिश करने वाले हैं, बट यहाँ पे फिनिश हुए नहीं है अभी तक। अरे चला जा रहे बंदे के पास में, क्या कर रहा है भाई, कितना लेट है भाई। उसी टाइम टीम नंबर 18 के जो बंदे हैं टी आई बोल्डर पुश कर चुके हैं, बाकी सारे टीम इनके टीम के जो बंदे हैं वो फिलहाल पीछे हैं दिखाई दे रहे हैं, आगे से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बोल्डर के बोल्डर यहाँ पर 1v2 कर लेंगे, चलो बोल्डर यहाँ पर डाउन बंदे को फिनिश कर चुके हैं। चलो बोल्डर की अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टी आई बोल्डर 4 किल कर चुके हैं टीम नंबर 6 के साथ, 1v2 किए हैं। फिलहाल लग रहा है कि यहाँ पे टीम नंबर 17 के जो बंदे हैं, टीम नंबर 17 पहली बार खेल रहा है टीएमजी के टीम, और टीएमजी के जो टीम है महाराष्ट्र के टीम के बंदे हैं, और महाराष्ट्र के टीम के बंदे यहाँ पे मुझे लगता है कि ये टीम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, करके दिखाना भी चाहिए। पहला गेम है और पहला गेम वीकेंडी गया इन लोगों का, वीकेंडी का मैप कैसे जाएगा इन लोगों का देखते हैं। तो यहाँ पे फाइट लग चुका है टीम नंबर 2 वर्सेस टीम नंबर 1 के बीच में।
टीम नंबर वन के जो बंदे हैं वो निमकिस मुंडा के टीम के बंदे हैं, वो अजाम के टीम के लौंडे हैं। टीम नंबर टू के जो बंदे हैं वो अकेला एक लौंडा सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरा लौंडा भी बचे हैं अभी तक, बट वो नॉक डाउन पड़े हैं। ओके, टीम नंबर वन की एक बंदा डाउन है, छो चुके हैं, दूसरा बंदा नहीं, गॉडलिन बहुत ज़्यादा लो एच पी के साथ हैं, बट यहाँ पे मोलोटोव घर के बाहर ही फेंक चुके हैं, इसलिए यहाँ पे टीम नंबर टू के जो बंदा है गॉडलिन बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो यहाँ गॉडलिन यहाँ पे वन वी वन कर लेंगे, जहाँ पे नॉकडाउन डाले थे वहीं पे रिवाइव डाल रहे टीम नंबर वन के बंदे। टीम नंबर वन के बंदे यहाँ पे टीम नंबर टू की बंदे को फिनिश करके फुली की पूरी लॉबी भेज दिए हैं। मां कसम, टीम नंबर वन बहुत अच्छे से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 9 किल कर चुके हैं। सामने टीम नंबर वन के जो बंदे हैं आर टू एफ के जो टीम है फिलहाल एक बंदे को खो चुके हैं, फ्रैग गॉड को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बाइक से आगे बढ़ते हुए। इस बाइक की नाम क्या है मुझे याद नहीं है, बट स्नो में चलने वाला बाइक है, क्या नाम है अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। टीम नंबर थर्टीन के बंदे यहाँ पर मौजूद है, टीम नंबर थर्टीन के जो बंदे हैं पुरजी के टीम के बंदे हैं, पुरजी के जो टीम हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ओडिशा की टीम है, ओडिशा की टीम भी आज पहली बार खेल रहे हैं, मैनेजमेंट स्लॉट लेके और मेंबरशिप लिए हैं, इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। टीम नंबर 13 पुरजी की टीम और TMG की टीम स्लॉट नंबर 17, ये दोनों ही दोनों एकदम लेटेस्ट। TMG की टीम के बोलते TMG की टीम के एक बंदे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, टीम नंबर 17 के बंदे इस टीम नंबर 17 के साइड चलते हैं, एक बंदा फिनिश हो चुका है, दूसरा बंदा हिंद को दिखाई दे रहा है। चलो दूसरे यहाँ पे जो बंदा है वो बंदा डाउन हो चुके हैं, लास्ट लौंडा सर्वाइव कर रहे हैं घर के अंदर। क्या यहाँ पे टीम नंबर 17 के बंदे, ओ पूरी की पूरी टीम चल गई थी, अगर अकेला एक एक लौंडा आता तो यहाँ पे बंदे को बंदे पेल देते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। डी एस क्यू के टीम के जो बंदे हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 18 के बंदे बेनम लुढ़क जाने के बाद टीम नंबर 18 14 किल कर चुके हैं। फिलहाल TJ के टीम को देखिए, टीम नंबर TJ जॉर्ड के टीम के बंदे असम के टीम के लौंडे, तो फिलहाल असम के टीम सॉरी त्रिपुरा के टीम के लौंडे TJ के टीम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्वानॉक्स स्पॉट करने का कोशिश कर रहे हैं। इनके सामने टीम नंबर 18 के बंदे हैं, अल्ट्राडोन स्पोर्ट्स के टीम के बंदे हैं, वेनम यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, कौन सा टीम के द्वारा यहाँ पे देखते हैं। टीम नंबर 25 के टीम के लौंडे ब्लड लाइन के टीम के लौंडे ग्रेनेड फेंकने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिलहाल रावण फिनिश हो चुका है टीम नंबर 10 के दो लौंडे के द्वारा, टेमो हैप्पी और मिट्रॉन ओपी। ओके, एक्वानॉक्स यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, एक्वानॉक्स को दिखाई दे रहे हैं स्नाइपर M24 से डाउन हुए हैं टीम नंबर 18 के जो बंदे हैं वो इनके द्वारा लौंडे पर फिनिश हो चुके हैं, बट रोगा वो भी एक शॉट कनेक्ट हो चुका है टीम नंबर 18 के जो बंदे हैं उनके द्वारा। अल्ट्राटॉन स्पोर्ट्स की टीम नंबर 18 क्या यहाँ पे टीम नंबर 24 को पकड़ सकते हैं, बट टीम नंबर 24 अच्छे रीच के हाई रीच का एडवांटेज के साथ दिखाई दे रहे हैं, कौन सी जगह पे थोड़ा छोटा 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 फाइट हो रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे, इतना सारे फाइट कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, गले में थोड़ा सा खांसी आ गया है, कहाँ से पता नहीं इन्फेक्शन हो चुका है गले में। तो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ब्लड लाइन की जो टीम है वो ओनली जोन के बाहर है, जोन के अंदर आना है, बाकी सारे टीम्स जोन के अंदर हैं। जैसे जोन सर्किट टच करेंगे नया जोन बनेगा, तो मेरे को लगता है कि कस्मोड्रोम के आसपास यहाँ पे जोन बन सकता है, जहाँ पे टीम नंबर 16, टीम नंबर 11 और टीम नंबर 9 के बंदे हैं। और रोगा को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कोई ड्रॉप लूट चुके हैं, और ड्रॉप लूटने के बाद यहाँ पे स्नो गिली पहन चुके हैं। व्हाइट गिल्ली पहनने के बाद यहाँ पे रोगा को कोई स्पॉट कर पाएंगे या फिर नहीं, देखेंगे क्या कितना काम का रहेगा। टीम नंबर 1 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे टीम नंबर 13 के साथ फाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 13 के जो बंदे हैं वो दिखाई दे रहे हैं हाई रीच के साइड हैं, और टीम नंबर 13 के जो बंदे हैं पुर्जी के टीम, उड़ीसा की टीम, यहाँ पे टीम असम की टीम के ऊपर फाइट दिए हैं। एक लौंडा यहाँ पे पुश कर चुके हैं, बट शान सूरज जो भी वो फिनिश हो चुके हैं। हैरी को दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे नॉक डाउन पड़े हैं। बट वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। नंबर 13 के लास्ट अकेला एक लौंडा, हैरी को बचाने की कोशिश किया जाएगा, बट कितना टाइम तक टीम नंबर 13 के बंदे सर्वाइव करते रहेंगे वो देखना है। टीम नंबर 13 के एक बंदा यहाँ पर डाउन, दूसरा ग्रेनेड जाता हुआ टीम नंबर 1 के साइड, कोई काम का नहीं रहेगा टीम नंबर 1 के साइड वो ग्रेनेड फेंक के। स्पाइडी कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, छोटे खिड़की से बंदे को डैमेज करने का कोशिश किए, बट हैरी बहुत ज़्यादा ओपन में गए थे तो इसलिए यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। डीजे चैंपियन यहाँ पे जो सरवाइव कर रहा था बंदा वो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। टीम नंबर 15 के बंदे, यूकोजा के टीम के बंदे, पूरी की पूरी टीम चले गए हैं। लास्ट लौंडा सरवाइव कर रहा था वो भी चले गए हैं लॉबी पर। कॉस्मोड्रोम के साइड जोन बना है, बनेगा ये मेरा प्रडिक्शन था और वो बन भी चुका है। और रोगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीम नंबर 18 की लास्ट, यहाँ पे बंदे को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोल्डर आगे की तरफ आ चुके हैं, टीम नंबर 99 के टीम के लौंडे वो यहाँ पे फिलहाल मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। कौन सा बंदा इनको दिक्कत दे रहे हैं? टीम नंबर 24, टीम नंबर 9, टीम नंबर 10 के ऊपर दोनों के साइड फाइट ले रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। चलो बादशाह यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, बादशाह को यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा टीम नंबर 9 की तरफ से। सिचुएशन काफ़ी हार्ड बनता जा रहा है। टीआई बोल्डर को अभी भी सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 18 की टीम के लौंडे। चलो टीम नंबर 24 के साइड एक दूसरा डॉब आ चुका है, क्या वो लोग ड्रॉप लूट लेंगे पता नहीं, कुछ नहीं। टीम नंबर 13 की एक 16 लौंडा अभी भी यहाँ पे फाइट लेके जा रहे हैं। टीआई बोल्डर जोन में डाउन हो चुके हैं। चलो टीम नंबर 1 आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पाइडी स्पाइडी आगे आ रहे थे, टीम नंबर 1 के लौंडे उनको तो बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया। एक ग्रेनेड अगर सही कनेक्ट हो गया टीम नंबर 13 के ऊपर तो यहाँ पे बंदे फिनिश हो जाएंगे। बट जहाँ पे मोनोटॉप फेंके हैं वहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। स्पाइडी अभी भी यहाँ पे सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सोमिया सोल यहाँ पे स्पाइडी को फिनिश करते हुए जोन की तरफ आगे बढ़ेंगे। टीम नंबर 16 के बंदे
अभी भी कोई किल नहीं किए हैं, चारों के चारों लौंडे सरवाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 9 के जो बंदे हैं वो फिलहाल देखिए कहाँ पे लेटे हैं, मां कसम भाई लेटा नहीं है, बैठा है। ओहो, क्या ग्रेनेड था, गजब ग्रेनेड था यार्ड की द्वारा। यहाँ पे फ्रैंकर ओपी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, जोन स्टार्ट हो चुका है, जोन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ग्रेनेड दूसरा ग्रेनेड जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बट टीम नंबर 9 के बंदे उनके उनके टीममेट के ऊपर स्मोक डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट टीममेट के बचाने के चक्कर में दूसरा बंदा यहाँ पे डाउन हो चुका है। टीम नंबर 16 के बंदा यहाँ पे नॉक डाउन है, बट टीम नंबर 9 के बंदे जब तक रैंक तक वे अपने टीममेट के पास पहुँचेंगे तब वहाँ पे जोन स्टार्ट हो चुका होगा, और जोन को प्रायोरिटी देते हुए दो टीममेट को इनके दो आरिफ को वो और बादशाह को निकल जाना चाहिए, बट ये लोग तो जोन के अंदर ही हैं। चलो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे टीम नंबर 16 और टीम नंबर 9 के बीच में ग्रेनेड मोनोटॉप हो चुका है। टीम नंबर 16 के दो लौंडे यहाँ पे नॉकडाउन, दो लौंडे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, उन दोनों के ऊपर प्रेशर रहेगा, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जर्ट फिनिश हो चुके हैं। राज मिल वाइटी यहाँ पे सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जर्ट फिर से फिनिश हो चुका है, दो मिस्टर जर्ट फिनिश हो चुके हैं, बट जोन के अंदर ये लोग मौजूद थे, टीम नंबर 16 के बंदे। नहीं, इन दोनों को सही से गेम प्ले दिखाना चाहिए, आगे की तरफ स्मोक कर लेना चाहिए। ओ क्या ग्रेनेड था भाई, राज मिलवाइटी अकेला सरवाइव करते हुए। ओहो, जोन मोनोटॉप कनेक्ट नहीं हुआ है, गजब गजब। बट क्या ही करे, एक के बाद एक थ्रोएबल फेंके जा रहे हैं टीम नंबर 9 के जो बंदे हैं। राजमिल वाइटी थोड़ा सा यहाँ पे थ्रोएबल के दौरान डाउन हो, मतलब लो एच पी हो रहे हैं, बट कोई दूसरा ग्रेनेड या मोनोटॉप आया तो यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। टीम नंबर 24 के बंदे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, ब्लड लाइन की टीम के बंदे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 11 R28 के टीम के लौंडे वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। देखिए टीम नंबर 9 के द्वारा जो थ्रोवेल आ रहे हैं वो थोड़ा सा डैमेज दे रहे हैं रजमिल वाइटी को। चलो टीम नंबर 10 के बंदे यहाँ पे दिक्कत देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे टीम नंबर 9 के बंदे निकल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट रजमिल वाइटी जोन से गए। और यहाँ पे टीम नंबर 24 और टीम नंबर 11 के बीच में जो तगड़ा भसड़ लग गया है, उस भसड़ की नाम क्या दे सकते हैं, कुछ भी। टीम नंबर 10 के बंदे और टीम नंबर 11 के बंदे, टीम नंबर 24 के साथ ये क्या क्या बर्ताव कर रहे हैं, दोनों की दोनों टीम नंबर 24 के ऊपर टूट पड़े हैं। टीम नंबर 10 बंगाल के टीम के लौंडे, टीम नंबर 11 असम के टीम के लौंडे, टीम नंबर 24 त्रिपुरा के टीम के लौंडे। टीम नंबर 24 त्रिपुरा के जो टीम है वो टीम जॉड है, टीम नंबर 11 जो असम के टीम के लौंडे हैं वो आर2वेव की टीम है, आर2वेव स्पोर्ट्स। और सामने टीम नंबर 10 के जो बंदे हैं वो फिलहाल अकेला एक लौंडा सर्वाइव कर रहे हैं, जोन के अंदर हैं, जोन के अंदर से हीलिंग करके जाएंगे या फिर क्या करेंगे देखेंगे। बट एक लौंडा, जस्ट एक लौंडा सर्वाइव कर रहा था, वो फिनिश हो चुके हैं। फिलहाल देखिए क्या सिचुएशन है, जोन में रिवाइव हो रहे हैं आर2वेव के टीम के लौंडे, तीन टीम नहीं अभी दो टीम हो चुके हैं। एक्सोमिया सोल के सॉरी सो एक्सोमिया शोल दिखाई दे रहे थे, वो निमकी कुंडा के टीम के बंदे हैं, असम के टीम के लौंडे फिनिश हो चुके हैं, और एक असम की टीम नॉर्थ ईस्ट के दो टीम अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। देखिए
दो ही टीम ओनली सर्वाइव कर रहे हैं, 3v2 का सिचुएशन है। टीम नंबर 11 आसाम के टीम के लॉन्डे, सॉरी हाँ 2v3 नहीं 3v3 की है फिलहाल। टीम नंबर 24 के जो बंदे हैं स्टीव जॉब त्रिपुरा की टीम, और सामने टीम नंबर 11 आसाम की टीम। चलो कौन, चलो जी देखते हैं क्या होता है। फ्रैग गॉड यहाँ पर होगा, कुछ मिस कर चुके हैं, बैलेंस बिगड़ चुका है, 3v2 हो गया है। टीम नंबर 24 के दो लौंडे नॉटी नॉटी लेजेंड को डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट तीन लौंडे सर्वाइव कर रहे हैं नॉटी, क्या यहाँ पे सर्वाइव करके अपने टीम के लिए विनर विनर चिकन डिनर ले जाएंगे। लास्ट त्रिपुरा की टीम, सामने आसाम की टीम के दो लौंडे, जॉर्ड की टीम के साथ आर्ट वेव की टीम के लौंडे की फाइट, क्या होगा सिचुएशन रहेगा। ओ चलो 1v1 का सिचुएशन, इसको फिनिश कर दिए तो 1v1 की सिचुएशन हो जाएगा। फ्रैग गॉड क्या यहाँ पे नॉटी को फिनिश कर पाएंगे, बट नॉटी नॉटी जिस साइड है वो एडवांटेज के साथ है। चलो जी 1v1 के सिचुएशन, फ्रैग गॉड फ्रैग गॉड वर्सेस नॉटी, क्या होगा क्या सिचुएशन रहेगा, क्या क्या हो सकता है, आप लोग क्या बताओगे इस। ग्रेनेड फेंक रहे हैं उनके साइड, बट वहां से हट चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा डैमेज देते हुए फ्रैग गॉड को दिखाई दे रहे हैं। बट फ्रैग गॉड मग मग की आंख भाई, क्या ही गेमिंग हो रहा है यहाँ पे। सामने थोड़ा सा डाउन रीच है इसलिए बच रहे हैं, अदरवाइज अगर फ्लैट रहता ना ये जमीन तो यहाँ पे फ्रैग गॉड को फुल लौड़े लग जाते हैं। बट जो ना रहे फ्रैग गॉड आगे बढ़ते हुए, नॉटी नॉटी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। फ्रैग गॉड जो उनकी डैमेज खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे टीम नंबर 24 जॉर्ड की टीम विनर विनर चिकन डिनर लेके जा रहा था जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट नॉटी एडवांटेज के चलते जोन में थे और लवड़े लग गए आर2एफ की टीम के बंदे की। ओके नेवर माइंड, नेक्स्ट गेम हम आराम से खेलेंगे। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।